नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिस्ट्रिक्ट मंडी का सुप्रसिद्ध मंदिर बाबा कमलाइया जी का। तो वहाँ पे जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी में ऐसा होता है कि जातर जो है दी जाती है, पहले उसकी जो है मन्नत मांगी जाती है, जब कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो वो जातरें वगैरह दी जाती है। तो वही ये जातर गई हुई थी और ये जो है पुरानी वीडियो है और ये मेरे फ़ोन पे नहीं बनी है, दूसरे के फ़ोन पे बनाई हुई है, तो थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम होगी, उसके लिए सॉरी। लेकिन मुझे ये आपके साथ शेयर करनी थी, आपको मंडी की नई जगह मुझे दिखानी थी। तो आप जो है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप भी जो है घर बैठे ही बाबा जो है कमलाइया जी के दर्शन कर लीजिए। पहले जो है मैंने रास्ते का वीडियो है और उसके बाद जो है मंदिर का है। और ये मंदिर जो है ना बहुत ही ऊंचाई में स्थित है। तो चलिए बातें कम करते हैं, आप देखिए आपको पता लग जाएगा और फिर वीडियो के लास्ट में जो है मैं आपसे बात करती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैं बता दूं आपको, ये जो जातर है ये गई थी बनवार से और बनवार से गई थी कमला को। तो बस ये रास्ते में जो है आपको बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी लंबा था, मैंने इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि रास्ते का ही बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो था, 14-15 मिनट का जो है वो बन गया था, तो इसलिए जो है मैंने इसको कर दिया है फास्ट फॉरवर्ड। और काफ़ी सारे गांव जो है बीच में आते हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध गांव मड़ी भी है और आगे जो है फिर आ जाता है चंबानौन, और चंबानौन से फिर ऊपर को जो है रास्ता आजकल बन गया है, तो काफ़ी ऊपर ही गाड़ी रुकती है कमलाहा मंदिर में, मंदिर के पास।
डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पहुँच चुके थे और गाड़ी यहाँ पे पीछे ही पार्क की जाती है और अभी ये जो आप देख रहे हो यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया जाता है और यहीं से जो है मंदिर की आप बोल सकते हो कि सीमा जो है शुरू हो जाती है, जो पौड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ से। तो अभी जो है काफ़ी जो ऊपर पहाड़ दिख रहा है ना आपको, यहाँ पूरी ऊपर ऊंचाई तक जो है अभी जाना है और वहाँ पर फिर ऊपर ऊँचाई में जो है चोटी में मंदिर है। तो बस ये अभी देखिए आप दिख रहा होगा आपको चढ़ाई से, आधे लोग आगे चले गए थे और आधे पीछे से जा रहे थे और ये जो रास्ता है ये नीचे से ही जो है ऊपर मंदिर तक सीमेंटेड बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मतलब रास्ता है लेकिन है बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और इस मंदिर की जो है बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और बहुत से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी के जितने भी लोग हैं बाबा कमलाइया जी को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और यहाँ पे मतलब जो है श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। और यहाँ से नीचे को आप देख ही रहे हो कितना जो है अभी हम ऊपर चढ़ाई चढ़ दी है और नीचे को कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे मतलब दिख रहा है, गहराई दिख रही है, हम काफ़ी ऊंचाई में हैं अभी। तो अभी जो है बीच बीच में जो है बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है मतलब बनाई हुई हैं और पीने के पानी का भी प्रबंध है और ये देखिए एज इट इज़ जैसा पुराना था वैसा ही है और बीचों बीच जो है इसका रास्ता है। अभी यहाँ पे जो है पहुँच गए हैं मंदिर, यहाँ से मतलब मंदिर की बाउंड्री जो है स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे अभी धूप बत्ती करते हैं और जो भी नई फसल के दाने वगैरह लाए होते हैं यहाँ चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए सब लोग चढ़ाई चढ़ के थक गए थे तो थोड़ी देर बैठ गए थे और वो देखिए सामने जो है मंदिर और आसपास के जो है पहाड़ियाँ आपको देख रहे हैं आप कितनी अच्छी लग रही हैं। और अभी जो है आपको कराते हैं बाबा के दर्शन। तो ये रहे बाबा कमलाइया जी, तो आप भी दर्शन कर लीजिए और आप अपनी मनचाही मनोकामना बाबा जी से मांग सकते हो, ये हमेशा जो है हर कामना को पूरा करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ जो है मैं वीडियो का एंड भी यहीं पे कर दूंगी। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और नई जगह आपने देखी होगी, बाबा जी के दर्शन आपने किए होंगे। तो ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पुराना वीडियो है और मैंने नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था और इसको शेयर करने का मेरा ये था कि आपको मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की नई जगह दिखाऊँ और आप जो है बाबा जी के दर्शन भी कर लें। तो
आई होप आपने दर्शन किए होंगे और ये टाइम ऐसा चल रहा है कि हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ताकि इस महामारी से हमें मुक्ति मिले और पहले जैसे हम अपना जीवन जो है बहुत ही बिना डर के मतलब अपना जीवन जी सकें, क्योंकि आजकल तो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हर तरफ से डर लगा रहता है कि पता नहीं कहाँ से जो है कौन सा आदमी बीमार है, किससे हम ये मतलब वायरस हमें लग जाएगा, सब्जियां लेनी है और भी चीजें बाहर से लानी है, तो डर डर के मतलब जो है सारी चीजें करनी है। तो अभी कर देते हैं वीडियो की एंडिंग। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो जिसने बनाई थी उसको इतना आइडिया नहीं था कि कैसे जो है वीडियो बनाई जाती है, तो इसमें कैमरा जो है काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा हिला है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट, बाय बाय।